यहाँ पे आकर के हिंदू लड़कियों को फंसाने का यही काम है। ये कौन है? ये अमित रावत कौन है? अपना फोन निकाल। इतनी लड़कियों को इसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हुई है, ये कब करे डिलीट? देखिए इसके पासवर्ड 1 2 3 4। और यहाँ हिंदू लड़कियों को फंसाना यही इन लोगों का काम है। निकला तो ये देख ले फिर कि क्या करूंगा मित्र। यार एक मिनट सुनो, तेरा नाम क्या है? साहिल। इधर ये साहिल है, यहाँ पे ये चलाता है ये यूनिसेक्स सैलून। कहाँ है ये? बगता ना एनआईटी गेट के सामने। इसने एक फेसबुक आईडी बना रखी है, किस नाम से बना रखी? साहिल सलमानी। ये कौन है? ये अमित रावत कौन है? ये मेरी आईडी नहीं है सर, इस पे मेरे जो है ना इसने फेक अकाउंट बनाया। अपना फोन निकाल। ये अमित रावत नाम से, और इसने जो है कम से कम इतनी लड़कियों को इसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हुई है। खोल इसमें फेसबुक, ये कब करे डिलीट? सर मेरे फोन में बनाई नहीं है। खोल इसको, इसको अनलॉक कर, इसको लॉग आउट कर और दूसरा फेसबुक खोल। ये जो है ये देखिए, इसने ये जो है ये फेसबुक आईडी बना रखी है अमित रावत के नाम से। ये देखिए इसने, मैं ये लड़कियों का फोटो नहीं दिखा रहा हूँ, इसने 200 को ये भेजा हुआ है। और अब इसने ये कल फिर फेसबुक की ये चेंज करी है। तूने रिपोर्ट करी अगर तेरे आईडी ये है कोई तो बता। मैंने सर तेरी फेसबुक किसने, तुझे कब पता चल गया था कि तूने फेसबुक आईडी बना रखी है ऐसी? मैंने, मुझे तो जिनकी दुकान है ना, हाँ, तो आंटी जी ने बताया। कब कहा? कल। कल कहा जी? कल से रिपोर्ट क्यों नहीं करी कि मेरी फेसबुक आईडी है गोरो की? मैंने सर मैं काम में बिजी था। इसको लॉग आउट करके मुझे दूसरा फेसबुक दिखा, कहाँ है? ये जो मेरे सर ये है मेरी साहिल सलमानी, और ये लॉग आउट कर दिया है। हाँ, अब फेसबुक निकाल इस पे, दूसरा फेसबुक कौन सा सर? खोल इस पे। ये देखिए ये हो क्या रहा, यहाँ पे आकर के हिंदू लड़कियों को फंसाने का यही काम है। इसने अमित रावत नाम से जो है ये फेसबुक, और अब तो मैं पुलिस को कहूंगा और इंटेलिजेंस को कहूंगा कि इसके सारे जितने फोन है उनका लॉग अनदर कर, अनदर लॉग अनदर अकाउंट करो, अमित रावत पे लॉग इन करो। ये देखिए सर, इसमें कॉल से भी मेरी नहीं मिलेगी। ऐसा है, इसने देखो ये सब मेरी पर्सनल आईडी है। ये कितने पर्सनल आईडी है अमित? कितने पर्सनल आईडी है? आईडी नहीं बनाई है मैंने। नहीं नहीं, मुझे, मैं ये कह रहा हूँ कितने पर्सनल आईडी है? तीन चार पर्सनल आईडी है, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए इसके पासवर्ड 1 2 3 4, चार इसने पर्सनल आईडी बना रखा है। ये कौन बनाता है ऐसे आईडी भाई? मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी आईडी कौन बनाता है? फेसबुक पे भी आईडी होगी तो एक होगी, ये 10 आईडी नहीं बनाते। मेरा पुलिस से और इंटेलिजेंस से निवेदन है कि इसकी गहनता से जांच करें। ये आखिर जो है अमित रावत बन करके और यहाँ लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना और यहाँ हिंदू लड़कियों को फंसाना यही इन लोगों का काम है। तो देख ले, ये एनआईटी है, एसएसबी है, एसएसबी के बगल पे ये एनआईटी का, ये पॉलिटेक्निक का गेट है, इसके बगल पे ये दुकान है। और अब मैं चाहूंगा कि ये दुकान यहाँ नहीं रहेगी, इसका काम, क्योंकि मैं आपको दिखा दिया कि ये किस प्रकार से इसने आईडी बना रखी है। ये काम जो है इन लोगों का इस प्रकार। तूने चार आईडी क्यों बना रखी भाई? चार आईडी नहीं है सर, वो पासवर्ड है सर। चार पासवर्ड क्यों है? ये देखिए सारे सब पासवर्ड लिखे हुए सर। अमित रावत नाम से, सुनो मेरी बात सुनो, अमित रावत नाम से अगर आईडी नहीं बनाई तूने अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं करी? मैं आज जाऊंगा। कब जाऊंगा? परसों तुझे पता चल गया था? संडे कल पता चला है इसको, पता चल गया था। यहाँ लोगों ने भी विरोध करा लेकिन इसको तब भी जो है इसने वो जो है नहीं करा। ये आप देख ले यहाँ पे, और सुन, अगर वो रिपोर्ट नहीं करी और रिपोर्ट करने के बाद फिर अब तेरे वो निकलेगा, क्योंकि मैं तो निकलवाऊंगा सारे। निकला तो ये देख ले फिर कि क्या करूंगा मैं तेरा। अभी मैं जो साइबर क्राइम है ना उनसे वो निकलवाऊंगा, इतना ध्यान रख लेना। वो तेरे फोन की जो दूसरे फोन पे बना रखी होगी, जहां भी बना रखी है, ये इस प्रकार से काम कर रहे हैं। और अमित रावत नाम से मैंने आपको दिखा दिया, आप अवश्य देखें, ये पॉलिटेक्निक के बगल पे है और भक्त्याना और इस क्षेत्र के लोग हैं जो थोड़ा सा इसको गहनता से लें। धन्यवाद। मैं अभी जो आज जिस मुद्दे पे सुबह जो मैं देख रहा था कि जो नाई ने
आईडी बना करके अमित रावत के नाम से जो आईडी चला रहा था उसकी मेरे द्वारा जो है रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, और रिपोर्ट दर्ज जैसे देख रहे हैं अभी मैं उसी समय करवा दी थी, अभी मैं रिपोर्ट रिसीव करने के लिए आया। तो यहाँ जो है इसके विरुद्ध दो धाराओं में केस दर्ज कर दिया गया है। और देखिए सबसे बड़े चौंकाने वाली बात क्या है, इसकी एक और आईडी नहीं, पांच आईडी निकली। पुलिस ने जब जांच करी तो पांच आईडी फेसबुक की निकली और तीन आईडी इंस्टाग्राम की निकली। तो देखिए मैं ये कह रहा हूँ, अगर इनको हिंदू नाम बहुत पसंद है, उसी नाम से इनको जो है ये तमाम किसी को व्यवसाय करना है, किसी को जो है ये इस प्रकार से बरगलाना है, तो भाई आप धर्म परिवर्तन करके हिंदू क्यों नहीं बन जाते हैं? और इस गलत फहमी को छोड़ दें कि जिस प्रकार से मुझे धमकाने की कोशिश की जा रही है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं ऐसी चीज़ों को, और पुलिस का धन्यवाद दूंगा कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करके उसको जो भी कार्रवाई करनी थी पुलिस ने की और हमारी FIR दर्ज की, और इसको जो है मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और इस प्रकार से जो अन्य भी हैं उनको भी छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। और मेरा आप सबसे निवेदन कि थोड़ा सतर्क रहें, अपने चारों तरफ देखें, अपने बच्चों को जो कि एक टीनेजर में हैं उनको समझाने का कष्ट करें, उनको समझाएं कि ऐसे लोगों के, और ये कम से कम ये जो फेसबुक की दुनिया है, इंस्टाग्राम की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, इससे थोड़ा सा बच के रहें। क्योंकि चौरास की जो घटना घटी ना, चौरास की घटना तब खुली जब उसने उस लड़की को कहा कि धर्मांतरण करके और फिर शादी करते हैं, कि तू धर्म परिवर्तन करते और फिर शादी करते हैं। देखिए किस प्रकार की साजिश चल रही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा सतर्क रहें, और इसके खिलाफ तो मैंने अपने नाम से जो है FIR दर्ज करवाई है, मैं मुकदमा लड़ूंगा, और जैसे कि कुछ हैं ही मेरे ऊपर तो मुकदमे लगते रहते हैं, तो मैं ये मुकदमा मैं लगाया। तो मेरा आप सबसे निवेदन, थोड़ा सतर्क रहें, अपने चारों तरफ देखें कि इस प्रकार की घटना ना घट रही हो। और मैं एक बार पुनः फिर धन्यवाद दूंगा प्रभारी निरीक्षक अपने OCR सिंह जी को कि इस प्रकार से उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए और संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की। बहुत बहुत धन्यवाद।